ये एक ऐसा डॉग है जो कि फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए सबसे परफेक्ट है. क्यूट एंड रॉयल ब्रीड है. दे मेक एक्सीलेंट स्विमर्स. उनकी क्यूरियोसिटी उन्हें बहुत भागने पे मजबूर कर देती है. सो कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड बिफोर एक्चुअली मेकिंग अ डिसीजन. हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू वूफ. सो वूफ एक ऐसा चैनल है जिसमें हम आपके सारे पेट रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करते हैं. We'll let you know if you have any doubts, any confusion ki as a pet parent, aapko kaun sa breed adopt karna chahiye, kaun sa breed lena chahiye. So we will answer all of these questions for you. Aaj ke is episode mein, what we are going to do is, I know sabse zyada confusion as a first time pet parent hoti hai, ki mujhe kaun sa breed lena chahiye. You always worry, kya wo breed mere budget mein aayega? Main jis flat mein rehta hoon ya main jis society mein rehta hoon? Roger! मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ क्या वो मेरी सोसाइटी उसे अलाउ करेगी. सो विच ब्रीड शुड आई गेट अकॉर्डिंग टू माई बजट. सो वी विल गिव यू ऑल द टिप्स दैट यू नीड टू नो एज अ फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट विच ब्रीड यू शुड गेट. सो द फर्स्ट ब्रीड जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं इज एक्चुअली अ डैशन. इंडिया में आपको यूजुअली दो तरह के डैशुंड मिलते हैं. वन इज अ स्टैंडर्ड डैशुंड एंड द अदर वन इज अ मिनिएचर डैशुंड. स्टैंडर्ड डैशुंड की हाइट इज समवेयर अराउंड 8 to 9 inches एंड मिनिएचर डैशुंड 5 to 6 inches में भी आपको अवेलेबल होते हैं. यस, इनकी हाइट छोटी है बट दे आर वेरी एनर्जेटिक एंड दे आर वेरी मस्क्यूलर ब्रीड. यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली कि आपको कौन सा वाला चूज करना है. जस्ट बी केयरफुल, इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी हंटिंग से रिलेटेड रही है. सो नए लोगों के सामने, स्ट्रेंजर्स के सामने ये थोड़े से अग्रेसिव हो सकते हैं. सो कीप इन माइंड अगर आप ज़्यादा लोगों को एंटरटेन करते हैं तो डैशुंड इज अ ब्रीड जिसको आपको थोड़ा सा ट्रेन भी कराना पड़ेगा. नेक्स्ट ब्रीड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इज द मोस्ट क्यूटेस्ट ब्रीड जिसको कि हम सब ने हच एंड वोडाफोन के एड्स में देखा है. येस, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पग. पग इज अ ब्रीड जो कि हाइट चाहे उनकी छोटी है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी मस्क्यूलर एंड उनके सॉफ्ट एंड लवेबल नेचर की वजह से द बेस्ट क्वालिटी इज दैट दे आर वेरी गुड विद किड्स. सो अगर आपका अपार्टमेंट थोड़ा सा छोटा है या यू हैव स्मॉलर स्पेस टू कीप अ डॉग, देन पग इज द परफेक्ट ब्रीड टू कीप बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर ज़्यादा बड़ी स्पेस. बस द ओनली थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड इज ठंडा वेदर, क्योंकि इन्हें ठंडा वेदर ज़्यादा सूट नहीं करता. दे कैच कोल्ड वेरी इजिली. यू जस्ट नीड टू कीप दैट इन योर माइंड, अदरवाइज दे आर वेरी लवेबल एंड इजिली अडेप्टेबल. हम सब ने कॉफी विद करण में वो वाला क्वेश्चन सुना है, क्या नाम है उस डॉग का जो कि हम आपके हैं कौन में था, एंड द आंसर वाज टफी. वी ऑल नो टफी बट वी डोंट नो टफी इज एक्चुअली द पोमरेनियन और इंडियन स्पिट्स जिसके बारे में अब मैं आपको बताने वाली हूँ. सो पोमरेनियन इज द मोस्ट कॉमन ब्रीड जो कि इंडिया में अवेलेबल है. दे आर इजिली अडेप्टेबल इंडियन क्लाइमेट से, इसीलिए बहुत कॉमनली लोग इन्हें अडॉप्ट करते हैं या फिर इन्हें बाय करते हैं. The average lifespan is 15 years. They don't require too much grooming. उन्हें ज़्यादा आपको training कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती. They are very, very alert. And वो आपके घर का ख्याल भी रखते हैं, plus आपको ज़्यादा परेशान नहीं करते. So if you're looking for a dog जो कि अपने मस्ती में रहे और आप अपनी मस्ती में रहो, then I guess Indian Spitz is a breed that you can easily buy. Next breed जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं is a golden retriever. नॉर्मली इंडिया में ये तीन तरह के अवेलेबल है. देयर इज अ ब्रिटिश गोल्डन रिट्रीवर, देयर इज कैनेडियन एंड देन देयर इज अमेरिकन. सो आप अकॉर्डिंगली अपना चूज कर सकते हैं. द बेस्ट थिंग अबाउट देम इज ये इजीली किसी के साथ भी सोशलाइज कर लेते हैं. इफ यू हैव किड्स एट होम सो दे आर वेरी वेरी गुड पेट टू हैव. द ओनली थिंग जो आपको अपने ध्यान में रखना है इज इन्हें खेलना कूदना बहुत पसंद है. सो यू नीड टू हैव एटलीस्ट अ गुड टेरिस और अ बैकयार्ड या फिर आपका गार्डन हो अच्छा, जहाँ पे कि इन्हें खेलने कूदने के लिए काफ़ी स्पेस मिल जाए. Other than that, they're the most lovable breed and you can easily adopt them or buy them as per your requirement. So next breed जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे is actually a pit bull. ये एक ऐसी breed है जो कि बहुत ज़्यादा misconception है उसके बारे में that they're very ferocious, they're either very aggressive, but ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. It completely depends on your training, how you train them, how you handle them. They're actually very loyal and very, very obedient. They are स्पेशली वेरी एनर्जेटिक. सो अगर आपका रूटीन ऐसा है कि आपको एक्सरसाइज करना पसंद है, यू लाइक टू गो ऑन अ रन, इस ब्रीड को भी आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करवानी पड़ेगी, रेगुलरली भगाना पड़ेगा. इसलिए कीप दैट इन माइंड इफ यू आर एवर ट्राइंग टू अडॉप्ट और बाय अ पिटबुल. दे आर नॉर्मली अवेलेबल इन 3 sizes, वन इज अ स्मॉल, मीडियम एंड एक्सेल. सो नेक्स्ट ब्रीड जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ इज एक्चुअली अ लैब्राडोर.
अगर आपकी बड़ी फैमिली है, यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स, यू हैव यंगर किड्स, देन ये एक परफेक्ट फैमिली डॉग है. वो सबके साथ घुल मिल जाते हैं. दे आर वेरी गुड विद स्ट्रेंजर्स, वेरी गुड विद योर गेस्ट. परफेक्ट ब्रीड अगर इफ़ यू हैव अ बिग फैमिली. जस्ट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इज इन्हें अकेले रहना नहीं पसंद. सो इफ यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, आप कहीं बाहर जा रहे हो, देर नीड्स टू बी समवन जो कि इनके साथ घर पर रहे. अदर देन दैट, दे ईट एंड दे स्लीप जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस. इन्हें एक्सरसाइज करवानी है आपको रेगुलरली, वरना ये लेजी भी हो सकते हैं. सो अदर देन दैट, दे आर द मोस्ट लवेबल ब्रीड एंड वेरी वेरी क्यूट. इफ यू हैव अ बिगर फैमिली, दे आर परफेक्ट फॉर यू. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक्चुअली अपने लिए एक गार्ड डॉग ढूंढ रहे हैं, या फिर अ डॉग जो कि उनकी सिक्योरिटी को मेंटेन कर पाए. सो उसके लिए द परफेक्ट ब्रीड दैट वी ऑल नो इज अ जर्मन शेफर्ड. एज अ फर्स्ट टाइम ओनर, अगर आप उन्हें एक्सरसाइज कराते रहे और उनकी ट्रेनिंग कराए, दे आर अ वेरी वेरी गुड डॉग टू हैव एज अ गार्ड डॉग. उनके अंदर किसी भी चीज को ट्रेस करने की इतनी फाइन एबिलिटी है, जिसकी वजह से उन्हें आर्मी में एंड पुलिस में भी रखा जाता है. सो इफ यू लुकिंग फॉर अ सिक्योरिटी डॉग, देन जर्मन शेफर्ड इज द परफेक्ट फिट फॉर यू. सो इस बजट में हमारी अगली ब्रीड है बीगल. बीगल इज अ ब्रीड जो कि बहुत इजीली अवेलेबल भी है इन डिफरेंट वैरायटी ऑफ कलर्स एंड कोट्स. आपको इफ यू आर लुकिंग फॉर एन एक्टिव डॉग जो कि बहुत सोशल है, भागना दौड़ना पसंद करता है, देन बीगल इज द परफेक्ट ब्रीड फॉर यू. दे लाइक टू रन अराउंड. वो बहुत ज़्यादा ही अलर्ट और क्यूरियस हैं. सो जस्ट वन टिप, अगर आप अपने आसपास किसी भी पार्क में उन्हें लेके जाएं, ऑलवेज कीप अ लीश विद यू. उनकी क्यूरियोसिटी उन्हें बहुत भागने पे मजबूर कर देती है. सो दे आर वेरी एक्टिव एंड इफ यू आर एनर्जेटिक लुकिंग फॉर अ स्मॉलर ब्रीड, देन बीगल इज द ग्रेट ब्रीड फॉर यू. ओके, सो नेक्स्ट ब्रीड जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ इज अ साइबेरियन हस्की. देर आर सर्टन थिंग्स जो आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी बिफोर एक्चुअली मेकिंग अ डिसीजन. फर्स्ट, ये एक्टिव है, एनर्जेटिक है, सो इनको रेगुलर एक्सरसाइजेस आपको करवानी पड़ेंगी. एटलीस्ट 20-40 मिनट्स डेली यू नीड टू गिव देम दैट स्पेस कि उस पर भाग दौड़ कर सकें. सेकेंडली, इन्हें एक पर्टिकुलर कोल्ड टेम्परेचर ही सबसे ज़्यादा ये प्रेफर करते हैं. सो गर्मियों में आपको मेंटेनेंस कॉस्ट, एसी का कॉस्ट कंपेरेटिवली ज़्यादा आ सकता है. सो कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड बिफोर एक्चुअली मेकिंग अ डिसीजन वेदर यू आर गोइंग फॉर अ साइबेरियन हस्की. सो द नेक्स्ट ब्रीड जो कि इस बजट कैटेगरी में है इज अ शिज़ू. शिज़ूज बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड रॉयल ब्रीड हैं. दे आर वेरी वेरी गुड विद किड्स. उन्हें खेलना कूदना पसंद है, सो दे आर वेरी एक्टिव, वेरी अलर्ट. इफ़ यू लुकिंग फॉर अ सोशल ब्रीड आपके किड्स के लिए एंड बच्चों के लिए, देन डेफिनेटली शिज़ू इज़ अ वेरी गुड ब्रीड फॉर यू. द ओनली थिंग जिसका आपको ध्यान रखना है इज फर्स्टली, दे हैव स्मॉलर नोजेस सो दे कैच कोल्ड वेरी इजिली. सेकेंडली, जो कि इसका बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट पॉइंट है, इज इन्हें गर्मी ज़्यादा नहीं पसंद, सो ये प्रेफर करते हैं एसी में ही सोना. सो रॉयल ब्रीड है तो रॉयल आपको मेंटेन भी करना पड़ेगा, इसलिए टेक योर डिसीजन वाइजली इफ यू गोइंग फॉर अ शिज़ू. नेक्स्ट हम जिस ब्रीड के बारे में बात करने वाले हैं इज अ मॉल्टीज डॉग. ये एक ऐसा डॉग है जो कि फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए सबसे परफेक्ट है, एंड आई विल टेल यू व्हाई. फर्स्ट, ये सिर्फ 3-4 केजीज के ही होते हैं, सो दे आर वेरी लाइट वेट. अगर आप कभी भी इन्हें कहीं कैरी करना चाहते हैं, दे आर परफेक्ट टू कैरी. सेकेंडली, दे जस्ट 25 centimeters, वेरी स्मॉल, वेरी यंग एंड यूथफुल. सो अगर आप बहुत एनर्जेटिक छोटी सी ब्रीड ढूंढ रहे हैं एज अ फर्स्ट टाइम पेट ओनर, देन मॉल्टीज इज द परफेक्ट डॉग फॉर यू. ओनली वो चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है इज फर्स्ट ऑफ ऑल, इनका मेंटेनेंस आपको बहुत ही रेगुलरली करना पड़ेगा. बी इट ब्रशिंग, इन्हें नहलाना, इनकी ट्रेनिंग कराना, दैट इज समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड. एंड सेकेंडली, ये अकेले रहने पर थोड़े से नर्वस हो जाते हैं. So you need to take care of them like a small baby and they'll be perfect for you. Next breed जो कि इस budget category में जिसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं is a Newfoundland. Canada में एक जगह है Newfoundland, ये breed वहीं से आती है. They have webbed feet, इनके पंजे आपस में जुड़े रहते हैं जिसकी वजह से they make excellent swimmers. They are mostly used as swimming के rescue dogs. So if you're looking for dogs जो कि काफ़ी बड़े हैं, आपकी फैमिली में you have more number of people जिनके साथ adjust करना है, then Newfoundland is a very good breed for you. Just be careful, ये इंडिया में इतना easily available नहीं होता because इनकी demand high है but they are not that much available. So just keep that in mind when you're thinking of making that decision. Okay guys, तो ये था हमारा second video जिसमें हमने आपको tips दी आप अपने budget के according कौन सी dog breed ले सकते हैं. एक स्पेशल रिक्वेस्ट पूरी टीम की तरफ से, आई वुड जस्ट आस्क, अगर आप बाय नहीं करना चाहें, गो फॉर अडॉप्शन. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेकेंड वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको रेगुलरली हमारे न्यू एपिसोड्स की अपडेट्स भी मिलती रहे. थैंक यू सो मच गाइज, एंड इट्स अ गुड बाय फ्रॉम अस.